नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बैंक सेफ लॉकर डिपॉजिट्स के बारे में, यानी कि बैंक के अंदर जो लॉकर सिस्टम है वो कैसे काम करता है, वो कितना सेफ है और उसकी आप अगर यदि आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर हम बैंक के लॉकर पे इतना विश्वास क्यों करें या उसके सेफ्टी फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए, अगर यदि आप बैंक में लॉकर लेते हैं तो बैंक आपके लॉकर की उतनी ही केयर करता है जितनी कि वो खुद अपने पैसों की करता है, यानी कि सेफ्टी मेजर उतने ही हैं जितने बैंक का खुद का पैसा रखा हुआ है और आपका लॉकर रखा हुआ है। दोनों ही एक अच्छे खासे उसमें सेफ्टी मेजर में रहते हैं, यानी कि आपका जो लॉकर सिस्टम है, लॉकर जो रूम बना रहता है वो सेफ्टी गेट से एम्बेडेड रहता है, यानी कि सेफ्टी गेट के बिना वो लॉकर रूम आपको एक्सेस नहीं होगा। तो ये एक लेयर होती है सिक्योरिटी की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका जो लॉकर है वो हमेशा दो की से एक्सेस होता है, एक की आपके पास रहती है, एक की बैंक के पास मास्टर की रहती है। तो बिना वो दोनों की लगाए आपका लॉकर नहीं खुल सकता, और बिना सिर्फ आप अपने चाबी से अपना लॉकर बंद जरूर कर सकते हो लेकिन खोल नहीं सकते। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए आपकी। ट्रस्ट, कंपनी, सोसाइटी कोई भी लॉकर हायर कर सकती है। इसके लिए जब आप लॉकर हायर करते हो तो आपको एक रेंट देना पड़ता है जो कि 1,000 से लेके 5,000 तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने किस साइज का लॉकर लिया हुआ है, यानी कि एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट है जो आपको पर ईयर देनी पड़ती है और ये जनरली अप्रैल के महीने में कटती है। जब आप लॉकर लेते हैं तो आपसे लीगल एग्रीमेंट साइन होता है 100 रुपये, 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, जो कि आप जिस भी स्टेट में एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टाम्प ड्यूटी है उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है। आप जब भी लॉकर लें इसमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी ज़रूर ले लें, क्योंकि बिना नॉमिनेशन के अगर कल आपको कुछ हो जाता है तो आपके जो लीगल हेयर्स हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि आपने नॉमिनेशन की फैसिलिटी ले ली है इसमें, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो भी ले लें, और अगर आपका पुराना लॉकर है आपको लगता है नॉमिनी है या नहीं तो एक बार बैंक में जाके जरूर कंफर्म करिए। अब एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर यदि आपकी चाबी गुम जाए तो क्या करें। कई लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हो चुका है एक बार कि मेरी खुद की चाबी गुम गई थी लॉकर की, तो मुझे वो लॉकर तोड़ने ओढ़ने का पूरा खर्चा देना पड़ा था। और जनरली जब भी आपकी चाबी गुमती है बैंक उसके लिए डुप्लीकेट की नहीं बनवाता, वो पूरा का पूरा जो लॉकर सिस्टम है वो तोड़ा जाता है। तो उसका खर्चा लगभग आप 10,000 से 20,000 के बीच में समझिए, क्योंकि कंपनी जिस कंपनी का वो लॉकर है वही कंपनी के ऑफिशियल्स आके उसको बाकायदा तरीके से तोड़ते हैं और फिर आपको वही लॉकर अलॉट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। एक बैंकर और कस्टमर में जब आप लॉकर हायर करते हैं तो रिलेशनशिप होता है बेलर और बैली का। आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो, कि बेलर और बैली में क्या क्या रिलेशनशिप होता है। अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह आती है, मान के चलिए कल कुछ दुर्घटना हो जाती है या सामान जो बैंक में डकैती डल जाती है या अर्थक्वेक आ जाता है, कुछ इस तरह की घटना घट जाती है, तो क्या बैंक आपको कंपनसेट करेगा जो जो चीज़ें आपकी लॉकर में रखी है। तो ये बिल्कुल नहीं करेगा, बैंक की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर चोरी हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, वो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके लिए आरबीआई ने खुद ने एक सर्कुलर निकाल के इसको क्लैरिफाई भी किया हुआ है। सर्कुलर ये मास्टर सर्कुलर है लॉकर एंड सेफ का, आप खुद आरबीआई की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो लॉ है बेलर एंड बैली का, उसके अंदर साफ दिया गया है कि बेलर ने जो भी है, जो भी जिसने भी लॉकर हायर किया हुआ है उसने अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन मेजरी लेने के बाद भी अगर यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपने लॉकर की सुविधा नहीं ली हो तो प्लीज़ लीजिए, ताकि इसमें आपके जो भी गहने वगैरह कुछ भी वैल्यूबल चीज़ें आप उनको सेफ्टी तरीके से रख सकते हैं, ताकि आपका एक हेडेक कम हो जाता है कि घर पे आपके कुछ वैल्यूबल चीज़ें रखी हुई है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।